वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN News। बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन भोपाल के कर्मचारियों की प्रेस वार्ता और बता दें कि दो सूत्रीय मांगे पूर्ण कराने हेतु संघ ने मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षण कराया है कि उपयंत्री सर्वर्ग को उच्च पद का प्रभार 20 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर सहयोग यंत्री पदनाम तथा 28 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर कार्यपालन यंत्री पदनाम देने हेतु संगठन द्वारा गत वर्ष आंदोलन किया गया था। उपयंत्री सर्वर्ग की पदोन्नति 40 से 41 वर्ष में सेवा पूर्ण करने के उपरांत भी नहीं हो पा रही। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन की कई वर्षों से लंबित दो सूत्री मांगों को लेकर के पूरे प्रदेश में आज 12 मार्च को हर जिला मुख्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। आपको ये बताना चाहेंगे हम कि डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन उपयंत्रियों का संगठन चलाता है, सब इंजीनियर्स का, जिसमें बड़े दुख के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ही पद पे सब इंजीनियर की भर्ती होती है और बड़ी विडंबना देखिए कि 40-41 साल की सेवा के बाद वो उपयंत्री के पद में ही सेवानिवृत्त हो जाता है। ये देश की ऐसी व्यवस्था है, ये सारे मुद्दे प्रमोशन में आरक्षण के होने की वजह से ये स्थितियां बन रही हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला लंबित है, इसका आज तक फैसला नहीं हुआ है। हमारा ये कहना है कि जिस पदनाम का वेतन हम पा रहे हैं, आप उसे हमें वही पदनाम दीजिए। हमारी मांग है कि 28 साल की सेवा के बाद हमें सहायक यंत्री का पदनाम दिया जाए। हमारे बीच हमारे साथी, हमारे जूनियर उपयंत्री जो संविदा हैं और मनरेगा में कार्य कर रहे हैं, वो भी लगभग 15-20 साल उनको भी हो गए हैं काम करते करते, लेकिन पद रिक्त होने के बाद भी ग्रामीण यात्री की सेवा में सरकार उनको नियमित नहीं कर रही है। हमारा ये मानना है कि उन उपयंत्रियों को जो मनरेगा में संविदा उपयंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और पूरी सेवाएं दे रहे हैं, जिस तरीके से नियमित उपयंत्री अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इस तरीके से उनको भी नियमित किया जाए। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तो हम चुनाव के बाद, अभी स्थानीय निर्वाचन के चुनाव होने हैं और ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद के चुनाव होने हैं, अगर इसके पहले, हमें तो नहीं लगता कि सरकार इसमें मानेगी क्योंकि हम बहुत दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर ये नहीं होता है तो हम अगस्त में बैठक करके आगे आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। देखिए, हमारा निर्माण कार्य विभाग है, निर्माण कार्य विभाग PHE, PWD, इरिगेशन और RES और मनरेगा, ये 4-5 विभाग है जिसमें हमारे सब इंजीनियर्स निचले स्तर पर कार्य कर रहे हैं, चाहे वो नहर बनाने काम हो, चाहे बांध बनाने काम हो, चाहे सड़कें बनाने काम हो, चाहे बिल्डिंग बनाने काम हो, जो भी निर्माण कार्य है, हमारा जो उपयंत्री वर्ग है, मुख्य भूमिका उसी की होती है। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार हमारी मांगे मानती है तो ठीक है, नहीं तो अगला निर्णय प्रदेश में तय होगा कि हम क्या करेंगे। ये है हमारे मुख्य मांग, दो सूत्री मांग मैंने आपको बता ही दिया कि हमको पदनाम के अनुसार हमको नाम दिया जाए, पद का जो हमारी वेतनमान हमें मिल रहे हैं उसके अनुसार पदनाम, और दूसरा आपको मैंने बताया कि हमारी मनरेगा और संविदा उपयंत्री नियमित किया जाए, क्योंकि 1500 पद RES में खाली हैं, उनको उसके अगेंस्ट नियमित किया जाए, ये हमारी मांग है। मेरा नाम इंजीनियर देवेंद्र सिंह, मैं उप प्रांत अध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन का। We'll be right back.
पिछले 10 सालों से अलीगढ़ की नंबर वन कोचिंग क्लासेस जो हजारों बच्चों को अब तक प्लेसमेंट करा चुकी है। यहाँ UPSI, यूपी पुलिस, लेखपाल, रेलवे, बैंक, TET, SSC, CGL, GD, MTS और कई अन्य कोर्सेज कराए जाते हैं। यही नहीं, अब आ रहे हैं ठाकुर द्वारा मुरादाबाद की स्टोनोग्राफर फैकल्टी के साथ डायरेक्टर राज ठाकुर द्वारा दी कौटिल कंपटीशन क्लासेस। पता, मीरा कॉम्प्लेक्स, एटा चुंगी, GT रोड, अलीगढ़। संपर्क करने के लिए डायल करें 8535022214, 6397847915। बड़ा धमाका आपके सामने पेश है। जी हाँ, पूरे अलीगढ़ में सबसे सस्ता कंप्यूटर मशीन द्वारा फ्री नजर की जांच, जिसका नाम है जसवंत सिंह चश्मालय। यहाँ पर नजर व धूप के चश्मों का विशाल शोरूम। जी हाँ, मात्र 359 रुपए में पाए दो नजर के चश्मे, मात्र 159 में पाए दो स्टाइलिश धूप के चश्मे, मात्र 100 रुपए में फाइबर के लेंस व 60 रुपए में कांच के लेंस। पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल व सेना में कार्यरत जवानों के लिए विशेष छूट भी है।